स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा से आम आदमी पार्टी द्वारा मोहम्मद सऊद को प्रत्याशी बनाया गया है। तब से ही मोहम्मद सऊद लगातार उत्तर विधानसभा में सक्रिय नजर आ रहे हैं और लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उत्तर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होने के भी आसार हैं। वहीं अब उत्तर विधानसभा में मोहम्मद सऊद की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी। मीडिया से चर्चा के दौरान मोहम्मद सऊद ने बताया कि लगभग सुबह 9 बजे मेरे पास फोन आया था, उत्तर विधानसभा में अपना प्रचार प्रसार बंद कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, जान से मार दिए जाओगे। मोहम्मद सऊद ने बताया कि जब मेरे द्वारा पूछा गया कौन हो और क्यों धमकी दे रहे हो, तो उसके द्वारा बताया गया हम बिश्नोई गैंग से बोल रहे हैं। इसके बाद मोहम्मद सऊद द्वारा स्थानीय थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर व्हाट्सएप पर आए कॉल की जांच शुरू कर दी है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। जी सऊद भाई, आपका एक धमकी भरा कॉल आया था, क्या कुछ मामले से आपने स्थानीय थाने में कंप्लेंट भी की है? देखिए, परसों जो एक फोन आया था और उन्होंने ये कहा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने कहा जी उत्तर से लड़ रहा हूँ। तो उसने ये कहा कि आप अपना प्रचार बंद कर दीजिए और आप चुनाव अपना ख़त्म कर दीजिए, अगर आपने नहीं करा तो हम आप देख लेंगे और आपकी जान भी दे सकते हैं। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बिश्नोई गैंग से हैं और मैंने आप किसकी तरफ से, उनने कहा कि आप सवाल जवाब मत करिए, जो कहना वो मत करिएगा। मैंने उसको बोला कि मैं चाहे तो मेरी बोटी बोटी भी कर दो, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। और उसके बाद जैसे कि आपने कहा उसने बताया कि बिश्नोई गैंग से हो, तो क्या माना जा सकता है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से फोन आया था आपके पास? ये तो पुलिस बताई कि व्हाट्सएप पे जिस कॉल आया था वो मैंने उनको दे दिया। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।